हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बहुत पर। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, फ्रेजल वर्ब पार्ट वन मैंने क्या है। जैसा कि आपको पता है, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे जितने भी टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ईडियम्स आपको पढ़ाए, राइट। तो अभी मैं फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि एक तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो मैं पढ़ाऊंगा। रैंडमली मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका वीडियो सेपरेट आएगा, उसमें रैंडमली कोई भी फ्रेजल वर्ब होगा, चार ऑप्शन होंगे, वहां पे आपको मीनिंग बतानी होगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो बहुत कुछ होने वाला है अभी, राइट। तो अभी हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट्स आते रहेंगे और प्रैक्टिस का जो वीडियो है वो अलग से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन फ्रेजल वर्ब का, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और पीडीएफ जब एक संख्या में थोड़े बहुत फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे तो पीडीएफ मैं आपका इसको ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब पार्ट वन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, टेट, एस टेट, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फ्रेजल वर्ब है आज की क्लास का, जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो कौन सा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है किसी में मगन होना, पूरी तरह से डूब जाना, किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना, मगन होना, टू बी बिजी आप कह सकते हो, एब्जॉर्ब्ड इन। ओके, नाउअडेज ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज, कि आजकल वो क्या है, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मगन है, उसमें पूरी तरह से वो डूबा हुआ है। तो एब्जॉर्ब्ड के साथ इन आता है, ये प्रेपोजिशन भी याद रखिएगा। एब्जॉर्ब्ड इन मिलकर जो मीनिंग बनाते हैं उसका मतलब होता है पूरी तरह से डूबा होना, मगन होना, टू बी बिजी। ओके, अगला देखते हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है डियर, एक्सप्लेन हाउ और वाई समथिंग हैपेंड, मतलब कारण बताना, कोई चीज अगर हुई तो क्यों हुई, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, कारण बताओ। अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन हाउ और वाई समथिंग हैपेंड। आई नेवर वॉन्ट दिस सिचुएशन दैट आई हैव टू अकाउंट फॉर माई फेल्योर, राइट। तो देखिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उनको यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है, राइट, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। कि आई नेवर वॉन्ट द सिचुएशन, राइट, कि मैं कभी ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता, दैट आई हैव टू अकाउंट फॉर, कि मुझे कारण बताना पड़े अपने फेल्योर का या अपने असफल होने का, जहां पर मुझे रीजन बताना पड़े, कारण बताना पड़े। तो अकाउंट फॉर का डियर क्या मीनिंग हुआ, कारण बताना। अगला देखते हैं एक्ट फॉर। एक्ट फॉर टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, किसी की जगह पर जब आप कोई कार्य करता है तो उसे एक्ट फॉर बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं लिखे दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। तो टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, किसी की जगह पर कार्य करना, किसी के स्थान पर कार्य करना। यस्टरडे आवर वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल एज ही, प्रिंसिपल यानी वॉज इल, कल हमारे जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने काम किया प्रिंसिपल की जगह पर, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे वो बीमार थे, ठीक है। तो एक्ट फॉर का डियर क्या मतलब हुआ, किसी की जगह पर कोई कार्य करना। ओके, एक्ट ऑन, अगला देखते हैं। एक्ट ऑन का मीनिंग होता है अफेक्ट, प्रभाव डालना, ठीक है। द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, क्योंकि जो दवाइयां थी उन्होंने किस पर प्रभाव डाला, उसके ब्रेन पर प्रभाव डाला। तो देखिए मीनिंग कितनी क्लियर हो जाती है अगर आपको फ्रेजल वर्ब अच्छे से पता है, चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो मीनिंग कितनी आसान हो जाती है, कितनी क्लियर हो जाती है। तो एक्ट ऑन का मीनिंग गाइस क्या हुआ, अफेक्ट, किसी पर प्रभाव डालना, ठीक है। द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। अगला देखते हैं एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन यानी डू अकॉर्डिंग टू, किसी के अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार कार्य करने के लिए हम बोलते हैं एक्ट अपॉन। यानी किसी ने अगर आपको एडवाइस दिए, पढ़ाया था ना मैंने अबाइड बाय, कॉम्प्लाई विद, राइट, किसी को फॉलो करना, किसी के अनुसार कार्य करना, डू अकॉर्डिंग टू। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आर एल्डर्स, हमें काम करना चाहिए किसके एडवाइस पर, अपने एल्डर्स के एडवाइस पर कार्य करना चाहिए, एक्ट अपॉन, ठीक है। एड टू, एड टू मीन्स आकार या संख्या आदि बढ़ाना, किसी की संख्या या आकार आदि में जो वृद्धि करना होता है उसे एक्ट टू बोलते हैं। इंक्रीज दिस साइज, इंक्रीज दिस साइज। ओके, योर अट्रैक्टिव आईज एड टू योर पर्सनैलिटी, राइट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपको क्लियर रहे। तो एड टू क्या हो गया डियर, इस आकार या संख्या आदि में वृद्धि करना, इंक्रीज द साइज। तो योर अट्रैक्टिव आइज जो है एड टू योर पर्सनैलिटी को बढ़ाती हैं और अच्छा बनाती हैं। एडअप, एडअप पता ही चल रहा होगा, किसी का योग करना, जोड़ करना। कैलकुलेट द टोटल और टू और मोर नंबर्स और अमाउंट, कैलकुलेट द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स ऑफ अमाउंट। वेन एवर सीमा इज फ्री आई आस्क हर टू एडअप बिग नंबर्स फॉर प्रैक्टिस। तो एडअप का मीनिंग क्या हो गया डियर,
किसी का योग करना, जोड़ करना, ठीक है, कैलकुलेट करना, जो टोटल नंबर है या अमाउंट है उसका टोटल करना, ठीक है। तो व्हेन एवर सीमा इज फ्री आई आस्क हर टू ऐड अ बिग नंबर्स ऑफ फॉर प्रैक्टिस, कि मैं उसे कहता हूँ कि बिग नंबर जो है, जो बड़े नंबर्स हैं, प्रैक्टिस के लिए उनको एडअप करे, यानी उनका योग करे। अलाइट ऑन, अलाउट अलाइट ऑन क्या होता है डियर, टू कम अपॉन बाय चांस, एकाएक सामने आ जाना, अचानक किसी के सामने आ जाना। अलाइट ऑन टू कम अपॉन बाय चांस, आई वॉज पैकिंग माई बैग फॉर गोइंग टू लखनऊ, माई आई अलाइटेड ऑन माई लॉस्ट वॉच, राइट, माई आईज, आईज होना चाहिए था वैसे यहाँ, माई आईज अलाइटेड ऑन माई लॉस्ट वॉच, कि मैं जा रहा था लखनऊ के लिए, पैकिंग कर रहा था, कि मेरी आंखें जो हैं किस पर पड़ी, मेरी आंखों के सामने अचानक क्या आ गया, मेरी खोई हुई जो घड़ी है, वॉच है, वो अचानक मेरी आंखों के सामने आ गया। तो अलाइट ऑन डियर क्या हो जाएगा, टू कम अपॉन बाय चांस, यानी अचानक सामने आ जाना। अगला देखते हैं अलाइव टू, अलाइव टू क्या होता है, सचेत होना, जागरूक होना, नो या अवेयर ऑफ, किसी के प्रति पूरी तरह से अलर्ट होना, जागरूक होना। एवरी वन शुड बी अलाइव टू वंस ड्यूटी फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, अलाइव टू यानी हर व्यक्ति को सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइट ऑन, अलाइव टू, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, अलाइव के साथ टू आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ओके, अलाइव विथ, अलाइव विथ फुल ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जीवित वस्तुओं से भरा होना, इसे क्या कहते हैं, अलाइव विथ। दी यमुना रिवर इज अलाइव विथ फिश एंड फ्रॉग्स, राइट, जो यमुना रिवर है वो किससे भरी हुई है, फिश और फ्रॉग से भरी पड़ी है, ठीक है, फुल ऑफ लिविंग थिंग, अलाइव विथ। अलाउ फॉर, अलाउ फॉर होता है ध्यान में लाना किसी चीज को, इंक्लूडिंग समथिंग व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग और प्लानिंग समथिंग। इफ वी अलाउ फॉर हिज नेचर ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, इट विल टेक 2 months इन आर हाउस कंस्ट्रक्शन, राइट, कि अगर हम उसके एक्सक्यूजेस को ध्यान में लाएंगे तो लगभग 2 महीने लग जाएंगे। इट विल टेक 2 months इन आर हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस के कंस्ट्रक्शन में लगभग 2 महीने लग जाएंगे। अगला देखते हैं अलाउ ऑफ, देखिए अलाउ फॉर और अलाउ ऑफ में अलग देख सकते हैं, इसका मतलब होता है मेक पॉसिबल, मतलब किसी चीज को संभव करना। अलाउ फॉर मैंने क्या बताया, ध्यान में लाना, और अलाउ ऑफ क्या होता है, किसी चीज को संभव करना। नाउ वी विल अलाउ ऑफ नो डिले फॉर आर वर्ड पावर एडिटिंग, नाउ वी विल अलाउ ऑफ नो डिले फॉर आर वर्ड पावर एडिटिंग, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अलाउ ऑफ। अगला देखते हैं अमाउंट टू, अमाउंट टू क्या होता है डियर, कम टू, एड अप, बिकम इक्वल टू, किसी के बराबर होना। योर डेट्स अमाउंट टू ₹10,000 नाउ, कि भैया जो आपके डेट्स हैं वो किसके बराबर हो गए, 10,000 रुपए के बराबर हो गए, 10,000 हो गए हैं। एंकर टू, एंकर टू होता है बेस्ड ऑन, किसी पर आधारित होना। द कोर्ट इज एंकर टू प्रूफ एंड विटनेस, जो कोर्ट है वो किस पर आधारित होती है, प्रूफ और विटनेस पर आधारित होती है। कोर्ट को क्या चाहिए होता है, गवाह चाहिए होता है। एंजल फॉर, एंजल फॉर सीक टू गेट, यानी किसी को ढूंढना। नाउ इट हैज बीन कंपल्सरी टू एंजल फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है, अभी यही क्लास में लाइव ले रहा होता, मैं आप लोग से बातचीत कर रहा होता, थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं, राइट। एंजल फॉर यानी सीक टू गेट, किसी चीज को ढूंढना। नाउ इट हैज बीन कंपल्सरी टू एंजल फॉर अ न्यू जॉब, कि अब ये कंपल्सरी हो गया है, क्या ढूंढना, नई जॉब ढूंढना। अगला देखते हैं आंसर बैक, आंसर बैक यानी रिप्लाई रूडली, मतलब बहुत ही ढिटाई से जवाब देना, बहुत ही रूडली तरीके से जवाब देना किसी चीज को, बड़ी हिम्मत दिखा के जवाब देना। घरों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे आपसे बहुत रूडली बात करते हैं। आंसर बैक, आई डोंट लाइक सच पर्सन हु आंसर बैक इवन देयर पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स को भी जवाब देते हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। तो आंसर बैक का मतलब क्या हो गया, वैसे आप लोग को लगेगा कि केवल जवाब देना, नहीं, बहुत ही ढिटाई के साथ, बदतमीजी के साथ जवाब देना, उसे बोलते हैं आंसर बैक। अगला देखते हैं आंसर फॉर यानी बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होने को बोलते हैं आंसर फॉर। ही नेवर वॉन्ट्स टू आंसर फॉर हिज इनकम्प्लीट होमवर्क, राइट, वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होना चाहता है अपने इनकम्प्लीट होमवर्क के लिए, इसीलिए होमवर्क कर ही लेता है। तो आंसर फॉर का मीनिंग क्या हो गया डियर, जिम्मेदार होना। अगला देखते हैं आस्क आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आस्क आफ्टर क्या होता है, आस्क आफ्टर, आस्क द न्यूज अबाउट समबडी, किसी के बारे में समाचार पूछना, किसी के बारे में हालचाल लेना, उसको बोलते हैं आस्क आफ्टर। माय फादर इन लॉ वॉज इंजर्ड सो टूडे आई आस्क्ड आफ्टर हिज लेग इंजरी, तो आज मैंने उनके लेग की इंजरी के बारे में हालचाल लिया, उनसे बातचीत करी, ठीक है। आस्क फॉर, आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी किसी से कुछ मांगना, किसी व्यक्ति से कुछ मांगना। रवि हैज आस्क्ड हिम फॉर हिज न्यू बाइक, तो देखिए कितना अच्छा है, आस्क आफ्टर और आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया डियर, किसी से कुछ मांगना, और आस्क आफ्टर का मतलब हो गया किसी के बारे में
समाचार पूछना, हालचाल लेना। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि बाद में, यानी किसी को प्रॉब्लम है बाद में आप उससे मिलने गए, उसका हालचाल लिया, और किसी चीज के लिए आपने पूछा यानी किसी से कुछ मांगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आस्क इन, आस्क इन डियर होता है इनवाइट टू कम इन, किसी को अंदर बुलाना। मुस्कान्स मदर ऑलवेज आस्क्ड मी इन बट आई नेवर वेंट, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मुस्कान्स मदर ऑलवेज आस्क्ड मी इन, ठीक है, बट आई नेवर वेंट, अंदर बुलाना, इनवाइट टू कम इन। बैक डाउन, देखिए बैक डाउन भी अच्छा है। बैक डाउन क्या होता है, टेक बैक आ क्लेम और आ डिमांड, अपने अधिकार या विचार त्यागना। वी हैड टू बैक डाउन व्हेन आर पेरेंट डिड नॉट सपोर्ट अस फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू कॉल द पुलिस। तो हमें क्या करना पड़ा, जब हमारे पेरेंट्स नहीं माने, हमने वो विचार वो अधिकार ही त्याग दिया पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं माने, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमारा। ठीक है, बैक ऑफ, बैक ऑफ होता है मूव अवे फ्रॉम, दावा छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज पर आप अधिकार जता रहे हो, उसको छोड़ देने को हम बोलते हैं बैक ऑफ। व्हेन वी आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ द लॉस्ट वॉच द बॉय बैक्ड ऑफ सून, लड़का तुरंत पीछे चला गया, लड़के ने तुरंत अपना अधिकार छोड़ दिया। कि जब हमने उससे कहा कि जो कोई भी घड़ी, उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, तो वो बैक्ड ऑफ हो गया। तो बैक ऑफ बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा डियर, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अगला देखते हैं बैक आउट। बैक आउट होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, वादे से मुखर जाना, मिलने की कोशिश करना पर वादा कभी ना करना। वन लाइन याद है ना आपको, तो वादे से मुखर जाना, बैक आउट। ही बैकड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी, राइट, जो मुझसे उसने वादा किया था कि मदद करेंगे, उससे वो मुखर गया। बैकअप, बैकअप आपको पता ही है, किसी को सपोर्ट करना, समर्थन देना। ओके, इंडिया बैकअप बैक्ड अप बांग्लादेश इन हर स्ट्रगल अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, समर्थन किया, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। ठीक है, बेल आउट, बेल आउट का मतलब होता है ग्रांट बेल, किसी को जमानत देना। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड टू बेल हिम आउट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्रांट बेल, बेल आउट याद रखिएगा, बेल आउट यानी किसी को जमानत देना। बैंक अपॉन या अपॉन, तो मैंने कई बार बताया है, बैंक के साथ मैंने रिलाई बताया था, रेस्ट बताया था, राइट, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ, रेस्ट हो गया है ना, रिलाई हो गया, बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, कई सारे मैंने बताए थे, लीन ऑन हो गया, इन सभी के साथ ऑन या अपॉन आता है, और इन सभी का मतलब होता है डिपेंड ऑन या रिलाय ऑन, किसी पर भरोसा करना है, निर्भर होना। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी सो आई विल नेवर चीट यू, यू कैन बैंक ऑन माई हेल्प, राइट, आप मेरी हेल्प पर निर्भर हो सकते हो, उस पर भरोसा कर सकते हो कि मैं आपकी मदद करूंगा। बार्गेन फॉर, बार्गेन फॉर डियर क्या होता है, बी रेडी टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए तैयार होना। हर हस्बैंड डज नॉट बार्गेन फॉर करंस डांस एट एनी कॉस्ट, हर हस्बैंड डज नॉट बार्गेन फॉर करंस डांस एट एनी कॉस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। अगला देखते हैं, बी बेंट ऑन, बी बेंट ऑन होता हैव दी माइंड सेट ऑन, किसी निश्चित उद्देश्य के रूप में रखना, किसी को अपने माइंड में रखना कि आपको करना ही है। बी बेंट ऑन, यू आर बेंट ऑन हिज प्रोग्रेस, आई थिंक यू विल कंप्लीट दिस मिशन, राइट, यू आर बेंट ऑन हिज प्रोग्रेस, ठीक है, कि मुझे लगता है कि आप ये मिशन डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। बी ऑफ, बी ऑफ होता है स्पेशली इन अ हरी, चला जाना, बहुत जल्दी में होना। ठीक है, आई गॉट द न्यूज ऑफ माई डॉटर्स इलनेस सो आई डिसाइडेड टू बी ऑफ, मतलब उड़ जाना, फ्रॉम द पार्टी, में पार्टी से तुरंत चला गया, तुरंत निकल गया, जैसे मुझे मेरी डॉटर की इलनेस के बारे में पता चला। तो देखिए गाइस, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल्ड वे में चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और ये बेसिक से सारे रूल्स आपको मिलते रहेंगे, बेसिक से सारी क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस भी मैं आपको बैच में कराता रहूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला देखते हैं, बियर अवे, बियर अवे क्या होता है, विन, जीतना, राइट, आर मॉनिटर बोर अवे सेवरल प्राइज इन दी फंक्शन। यही जब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जब मैं लाइव क्लास देता हूँ, प्रैक्टिस वहाँ कराता हूँ, तो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो मैंने सोचा एक बार बेसिक से पढ़ा दिया जाए, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें रहें। तो बियर अवे क्या हो गया, जीतना, विन, आर मॉनिटर बोर अवे सेवरल प्राइजेस इन दी फंक्शन। बियर डाउन का मतलब होता है क्रश, किसी चीज़ को कुचलना। दी जनरल बोर डाउन हिज अपोजिशन इन नो टाइम, ठीक है, दी जनरल बोर डाउन हिज अपोजिशन इन नो टाइम, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, पुष्टि करना, राइट, कि भैया यही है कि नहीं है, किसी को कंफर्म करना। बियर आउट, दी एविडेंस डज नॉट बियर आउट दी चार्ज अगेंस्ट हिम, जो एविडेंस है वो ये पुष्टि नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं करते हैं। तो बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म करना। अगला देखते हैं, बियर अप, बियर अप होता है टू बी हैप्पी इवन इन बैड डेज, बुरे समय में भी खुश रहना, इसे बोलते हैं बियर अप, चाहे जितनी डिफिकल्ट कंडीशन हो उन समय में भी बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। ही इज बियरिंग अप इवन हैविंग सो मच लॉस इन हिज बिजनेस, कि बिजनेस बहुत नुकसान होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ही इज बियरिंग अप इवन हिज हैविंग सो मच लॉस इन हिज बिजनेस।
बी आर अपॉन क्या हो जाएगा डियर, टू बी कनेक्टेड विद, किसी से संबंधित होना। द एग्रीमेंट डज नॉट बी आर अपॉन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, मतलब जो एग्रीमेंट है वो संबंधित नहीं है, जो सब्जेक्ट जिस पर डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है। बियर विथ क्या हो जाएगा, टॉलरेट, सहन करना। योर टंग इज लूज सो नन कैन बियर विथ योर लैंग्वेज, कोई तुम्हारी भाषा को नहीं सहेगा, तुम्हारी टंग जो है बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बेकार है, तो कोई उसको सहन नहीं करेगा। बियर विथ याद रखिएगा। अगला देखते हैं बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है परसुएड टू रिड्यूस द प्राइस, कीमत कम करने के लिए मनाना किसी को, इसे बोलते हैं बियर डाउन, ठीक है, किसी की कीमत कम हो जाए उसके लिए किसी को मनाना। मैनी टाइम्स आई हैव सीन दैट वुमेन ईजिली बीट डाउन, राइट, कि मैंने कई बार देखा है कि वो जो वुमेन है वो ईजिली क्या कर लेती है, कीमत को कम कराती है। बीट अप टू हिट अ और किक समबडी रिपीटेडली, राइट, खूब पिटाई करना, किसी को खूब पीट रहा, इसे बोलते हैं बीट अप। ओके, एवरीवन नोज दैट द पुलिस विल बीट हिम अप फॉर हिज फॉर दिस क्राइम, कि सभी लोग जानते हैं कि वो पुलिस जो है क्या करेगी, उसको बहुत पीटेगी इस क्राइम के लिए। बेंड डाउन क्या होता है, लीन डाउन यानी झुकना किसी के सामने। फॉर दिस एक्सरसाइज वी विल हैव टू बेंड डाउन एज मच एज पॉसिबल, राइट, इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा जितना संभव हो सकता है उतना। बेंड टू क्या होता है, सबमिट करना, इसका ही मतलब होता है झुकना। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू बेंड टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, इसके अलावा मैंने आपको सकम बताया था, स्टूप बताया था, सरेंडर बताया था, यील्ड बताया था, इन सबका मतलब भी होता है हथियार डाल देना, किसी के सामने समर्पण करना, झुकना, तो खैर वो सारी चीजें भी आगे आएंगी। तो बेंड टू हो गया, अल्फाबेट वाइज चीजें चल रही हैं, इसलिए एक तरफ से चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो देखिए आप, ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है सेशन, काफी लगभग 30+ आपने फ्रेजल वर्ब देख लिए और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस कि आपको क्लास कैसी लगी। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज छोटी सी बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर अपने नोट्स ही बनाइए, आपको पीडीएफ तो मिल रहा है बट फिर भी आप लिखिए, लिखने की जो आदत होती है वो आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगी। जो अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं वो निश्चित तौर पर आपको आगे ले जाएगी। बार बार वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए, लेकिन अपना राइटिंग भी प्रैक्टिस जारी रखिए, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, लिखिए जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसका दूसरा पार्ट आपको मिलेगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।